Hello everyone. So there's a very kind of bad news from MP MSU University. जो BHMS first year की examinations main batch और supply batch जो 2021 वाली batch है उनका और जो supply वाले students हैं उनका time table जो है वो declare हुआ था, लेकिन वो कब का हुआ था? May का. और अभी time table pre-pond हो चुका है. मतलब MPMSU की हिस्ट्री में शायद, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी शायद ये पहली बार हुआ है कि कोई एग्ज़ाम प्रीपॉन्ड हुई है. पोस्टपॉन्ड होते हुए हम लोगों ने कई एग्ज़ाम्स देखे, लेकिन प्रीपॉन्ड होते हुए वो भी फर्स्ट ईयर के साथ. आप ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हो यार? सिर्फ एक महीना बचा है. आज के 26 ख़त्म हो चुके हैं, कल 27 है. 27 से 27 सिर्फ एक महीना बचा हुआ है और आप इतना ऑन एंड सडन ऐसा डिसीजन ले रहे हो. स्टूडेंट्स के बारे में शायद यूनिवर्सिटी नहीं सोचती और ना सोचना चाहती है. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक 2734 दिनांक 11/3 एवं अधिसूचना क्रमांक 3028 दिनांक 15/3 के द्वारा BHMS फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मेन और सप्ली मई 2022 जारी टाइम टेबल को एग्जाम पर निम्न अनुसार संशोधित तिथियों पर निर्धारित की जाती है. 27th of April को है एनाटमी फर्स्ट, 4th of May को है एनाटमी सेकेंड, 9th of May को है फिजियोलॉजी फर्स्ट, 12th of May को है फिजियोलॉजी सेकेंड, 17th of May को है होम्योपैथिक फार्मेसी. तो प्रिपरेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी है. तो हम लोग जो सीरीज़ चला रहे थे एनाटमी और फिजियोलॉजी की, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. अब वो चेंजेस क्या हैं ये आप आगे आने वाली वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे इतने कम समय में भी आपको एनाटमी के तीनों वॉल्यूम्स, फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स कैसे कवर अप करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे सारी चीज़ों को समराइज करके याद रखना है. फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18th of April है और विथ लेट फीस 20th of April है. फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कामली करना है. अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आई कैन सी कि डिफरेंस जो है वो 10 दिन का है, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करेंगे. पहले वाला टाइम टेबल देखते हैं. तो ये जो है ये है पहले वाला टाइम टेबल जो एग्ज़ाम्स होने वाली थी 6 तारीख से, 6 मई से, और अब हो रही है 27 तारीख से, 27 अप्रैल से. तो कोई बात नहीं, ठीक है. फॉर्म भरने की लास्ट डेट्स तो सेम ही है. ऑन एन एवरेज 10 डेज का डिफरेंस आया है, 6 दिन ये और 3-4 दिन वो. तो कर लेंगे, हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है. और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. वीडियो आप लोगों के पास जल्दी आ जाएगा कि क्या न्यू स्टडी स्ट्रैटेजी आप लोगों की होनी चाहिए. साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मीन्स फ्रॉम A to Z, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डू मेंशन योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन.